एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए, क्वेश्चन हमारा है, मेरे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं ये इस यूट्यूब में, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मेडियन फ्रॉम द वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस एंड बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल। इस क्वेश्चन को आप पहले समझेंगे और क्वेश्चन को आप समझने के बाद ये देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग जो है प्रूव करेंगे, ताकि जो हमारा जो तरीका होगा, हमारा जो सोचने का तरीका होगा, वो ठीक ठाक हो जाए। पहले इसको हम लोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन कहता है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और वर्टेक्स मतलब ऊपर ही हम रख रहे हैं उसको। तो ये मान लिया कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी एंड सी। तो ये कहता है कि मेडियन, देखिए ये एक मेडियन होता है, ये वर्टेक्स हो गया, इसका ऑपोजिट साइड पर मेडियन होता है। तो मान लिया ये डी है। अब ये कहता है कि परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइन है ए डी, ये परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो परपेंडिकुलर तभी होगा जब ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। मतलब इस एंगल को भी आपको 90 प्रूव करना है, इस एंगल को भी 90, मतलब ये 90 एंड ये 90 एक प्रूव करना है। दूसरा, एंड बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल। अब ये कहता है कि ये जो वर्टेक्स एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये कहता है। यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दिया है कि ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दूसरा किया ये एक मेडियन है। तो सबसे पहले आप उसका प्रॉपर्टी को जानेंगे कि मेडियन जो होता है ना, तो मेडियन का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो मेडियन का जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि कोई भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर जो मेडियन होता है वो क्या करता है, उस साइड को बाइसेक्ट करता है। मतलब इस बी सी को, ये एक बी डी इक्वल टू डी सी, ये इसका है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मतलब पी डी इक्वल टू डी सी होगा, ये आपको यहाँ पे पता है, मेडियन है इसीलिए। तो मेडियन का प्रॉपर्टीज आपको जानना पड़ेगा, ये हो गया। अब यदि मेडियन की थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मेडियन का प्रॉपर्टी, तो मेडियन क्या होता है कि हर एक ट्रायंगल में, जैसे यहाँ से एक मेडियन यहाँ पे आया, यहाँ से एक मेडियन यहाँ पे जाएगा, यहाँ से एक मेडियन यहाँ से जाएगा। तो कहता है कि तीनों जो मेडियन होता है, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी साइज, कोई भी सा ट्रायंगल हो, उसमें क्या होता है, तीनों जो है कंकरेंट होता है, एक पॉइंट से पास करेगा, जैसे इस तरह से जाएगा, इस तरह एक पॉइंट से पास करेगा, और इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, वो कहलाता है सेंट्रोइड। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि इसको 90 के लिए सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। और इसको दिखाने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि ये जो एक ट्रायंगल है और ये जो दूसरा ट्रायंगल है, दोनों को हम लोग कंग्रुएंट प्रूव यदि कर दिए, बाकी सारा चीज़ आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोग चलते हैं, एक एक करके, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आएगा। हमने क्या लिखा, लेट ए बी सी इज द आइसोसेल्स ट्रायंगल, ए बी सी इज द आइसोसेल्स ट्रायंगल सच दैट, हमने मान लिया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमने मान लिया, और एंड ए डी इज द मीडियन, और हमने माना कि ए डी जो है सो मीडियन है, जो कि इस वर्टेक्स से इस साइड पर है। तब क्या होगा, वी हैव टू प्रूव, तब हमको क्या प्रूव करना है, वो कहता है कि परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब क्या होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, इसका नाम ए डी बी होगा, इसका नाम ए डी सी होगा, आप चाहेंगे तो बी डी ए एंड सी डी ए भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, वी हैव टू प्रूव ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। सेकंड, ये क्या बोलता है, बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, मतलब इस एंगल को, मतलब ये जो पूरा एंगल ए है, इसको दो बराबर भाग में वो बांट रहा है, मतलब ये एक भाग है, ये एक भाग है, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दैट इज एंगल बी ए डी, दैट इज बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये दो चीज़ आपको प्रूव करना है। तो हमने जैसे बताया कि इसके लिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों को हम क्या करेंगे, कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप देखिए आपके पास क्या क्या कंडीशंस है। तो इन ट्रायंगल हमने लिखा है ए बी डी एंड ए सी डी, हमें क्या मिलता है, देखिए ए बी इक्वल टू ए सी जो हमने मान लिया था ऑलरेडी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो गया गिवन। दूसरा बी डी इक्वल टू डी सी, अब हमने क्या किया, बी डी इक्वल टू डी सी,
इसलिए कि ये जो मेडियन है ये दो बराबर भाग में बांटता है, यानी मेडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, ये मेडियन है ये अपोजिट साइड है, इसको बाइसेक्ट करता है, दैट इज बी डी इक्वल टू डी सी, इसका प्रॉपर्टी है मेडियन का। तीसरा है ए डी इक्वल टू ए डी, आप देख रहे हैं इस ट्रेंगल में भी ए डी है, इस ट्रेंगल में भी ए डी है, ये कॉमन साइड है दोनों, तो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड हो गया। बाई एस 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 जो है हमारा इस कंडीशन से क्या हो गया, ये जो दोनों ट्रेंगल था हमारा ए बी डी एंड ए सी डी, ये ट्रेंगल ए बी डी इज सॉरी इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ठीक है, ये जो है ए बी डी एंड ए सी डी दोनों कंग्रुएंट हो गए। अब कंग्रुएंट होने से क्या क्या कंडीशन होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रेंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए हम लोग आगे क्या करेंगे, इसमें इसमें आप दो चीज देख लीजिए, इसलिए क्या होगा एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये जो छोटा वाला पार्ट है, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, यहाँ जो आप एंगल देख रहे हैं ना बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये दोनों ये और ये इक्वल हो गया, कारण क्या है बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रेंगल्स, ये अप्रूव हो गया। सेकेंड ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, उसी तरह जैसे ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ये होगा ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी ये और ये इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, इसमें एक लाइन ऐसे खड़ी है, मान लीजिए ये एक लाइन है, इस तरह से खड़ी लाइन है, तो ये और ये मिलके जो है क्या लीनियर पेयर कहलाता है, मतलब ये दोनों एंगल मिलके ये 180 होता है, इसको लीनियर पेयर हम लोग करते हैं, यानी हमारा जो ये एंगल हुआ बी डी ए चाहे ए डी बी एंड ए डी सी, ये दोनों मिलके क्या बनाया, एक लीनियर पेयर बनाया, तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है बट दीज मेक ए लीनियर पेयर, ये दोनों मिलके क्या करता है लिनियर पेयर बनाता है, तो लिनियर पेयर में क्या होता है कि दोनों एंगल मिलके 180 होगा, दैट इज एंगल ए डी बी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए डी बी और ए डी सी दोनों इक्वल है, यानी ए डी बी प्लस इसको यदि आप ए डी बी मानते हैं तो 2 ए डी बी हो जाएगा, दैट इज 2 ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यदि ए डी बी की बात करें तो 180 में से 2 डिवाइड होगा तो 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ए डी बी या फिर ए डी सी वो भी 90 डिग्री होगा। इस तरह से आपको प्रूव करना है, प्रूव करने से पहले आपको सोच लेना है कि क्या कहता है और उसको आपको किस तरह से करेंगे तो प्रूव होगा।